राहुल गांधी जी ने अपने भाषण के अंदर संसद के अंदर अग्निवीरों के साथ हो रहे भेदभाव को उठाया, और ये मुद्दा सिर्फ एक अग्निवीर का नहीं था, ये एक 1,20,000 अग्निवीर जो सेवारत हैं, 80,000 अग्निवीर जो सेवा में जाने के लिए तैयार हैं ट्रेनिंग सेंटर से, और 20 के करीब अग्निवीर जो शहीद हो चुके हैं उनका मामला था। साथियों, ये एक बड़े ही दुखद बात है कि हमारे देश की सुरक्षा करते हुए एक जवान शहीद हो जाता है और उसके शहादत के जो मुआवजा है वो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, इसकी कोई भी कीमत नहीं आंकी जा सकती। लेकिन जो भी एक कॉम्पनसेशन का मॉडल बनाया हुआ है वो तुरंत प्रभाव से जल्दी दिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जय हिंद साथियों, अग्निवीरों की शहादत और शहादत से जुड़े हुए कॉम्पनसेशन का मुद्दा बहुत ही गंभीर हो चुका है। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण के अंदर संसद के अंदर अग्निवीरों के साथ हो रहे भेदभाव को उठाया, और ये मुद्दा सिर्फ एक अग्निवीर का नहीं था, ये 1,20,000 अग्निवीर जो सेवारत हैं, 80,000 अग्निवीर जो सेवा में जाने के लिए तैयार हैं ट्रेनिंग सेंटर से, और 20 के करीब अग्निवीर जो शहीद हो चुके हैं उनका मामला था। उसको जब बता रहे थे तो एक हमारे शहीद अग्निवीर अजय सिंह की एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन पहले उनके घर गया था और उनको परिवार ने बताया कि उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली है। साथियों, परिवार ने बिल्कुल सही बताया, ये एक सर्विस के दौरान, रिटायरमेंट के दौरान, शहादत के दौरान, और जो कॉम्पनसेशंस दी जाती हैं अग्निवीरों को रेगुलर्स के कंपैरिजन में, और अब एक और नई चीज दिखाई दे रही है कि जो डिलीवरी मॉडल है उसके अंदर भी बहुत बड़ा भेदभाव दिखाई दे रहा है। जब राहुल गांधी जी बात कर रहे थे तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम अग्निवीरों को 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन देते हैं, और परिवारों को तब तक कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली थी। उनके बचाव, राजनाथ सिंह जी के बचाव में एडीजी पीएनडी सेना को उतारा जाता है, जो कहती है कि हम 98.36 लाख रुपीस हम उनको कॉम्पनसेशन के दे चुके हैं, लेकिन उसमें से 50 लाख रुपया आईसीआईसीआई का प्राइवेट इंश्योरेंस जो कि खाताधारकों को वो देते हैं, और 48 लाख रुपया आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा था, जो कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एक सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ये केंद्र सरकार का पैसा नहीं था। जो परिवार कह रहा था कि 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन अगर राजनाथ सिंह जी कहते हैं सदन के पटल में तो वो मिलना चाहिए था। राजनाथ सिंह जी ने देश को, सदन को और शहीदों के परिवारों को, उन सबको झूठ बोला है, और उसके बाद कहानी यहां खत्म नहीं होती। राहुल गांधी जी ने उनकी आवाज उठाई, 3 तारीख को एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया, परिवार ने कहा कि हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, और उसके बाद एडीजी पीएनडी को आगे लेके आया जाता है, और उसके बाद वो 98 लाख रुपीस के बारे में बात करते हैं। और ये भी आपको जानना बड़ा जरूरी है कि इंश्योरेंस और कॉम्पनसेशन, मुआवजा राशि, सहायता राशि, अनुग्रह राशि, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों अलग चीजें हैं। इंश्योरेंस बीमा होता है और अनुग्रह राशि, मुआवजा राशि, वो अलहदा होती है, अलग होती है। राजनाथ सिंह जी 1 करोड़ कॉम्पनसेशन और मुआवजा राशि की बात कर रहे थे। तो साथियों, लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर निकल कर आई कि 6 महीने पहले 18 जनवरी को अजय सिंह की शहादत होती है, और 6 महीने तक उनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होती, या जो भी कुछ डिलेज हैं उन डिलेज को 6 महीने लगते हैं उनको कोई भी मुआवजा आने में, और राहुल गांधी जी की आवाज उठाने के बाद मात्र 6 दिन के अंदर 67 लाख रुपया उनके
अजय सिंह जी के परिवार के पास आ जाता है। ये 1 जुलाई को राहुल गांधी जी ने सदन में उठाया, 3 जुलाई को एक वीडियो जारी किया, 5 जुलाई को दूसरा वीडियो जारी किया, और ये आप देखिए 44 लाख रुपया और 20 लाख रुपया, 64 लाख रुपया उनके परिवार को कल क्रेडिट हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक सिस्टमिक फेलियर था, या तो वो पॉलिसी का पैरालिसिस था या वो डिलीवरी का की समस्या थी, कॉम्पनसेशन डिलीवरी मैकेनिज्म की। साथियों, इसके साथ साथ हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उठाया था कि अलवर के जितेंद्र सिंह, उनकी भी शहादत हुई थी, उनकी शहादत 1 मई को हुई, और इसी तरह से सुखविंदर सिंह बरनाला से उसकी शहादत 15 अप्रैल को हुई थी। उनके दोनों के परिवारों को कोई भी अभी तक पैसा नहीं मिला था, लेकिन राहुल जी की आवाज उठाने के बाद उनको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस का पैसा दे दिया गया है। साथियों, ये एक बड़े ही दुखद बात है कि हमारे देश की सुरक्षा करते हुए एक जवान शहीद हो जाता है और उसके शहादत के जो मुआवजा है वो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, इसकी कोई भी कीमत नहीं आकी जा सकती, लेकिन जो भी एक कॉम्पनसेशन का मॉडल बनाया हुआ है वो तुरंत प्रभाव से जल्दी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये जो इनको परिवार को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, जैसे ही शहीद हुआ हमारा कोई भी लड़का जवान तो उसकी सैलरी रुक जाती है, सैलरी के बाद रेगुलर सैनिक की पेंशन चालू हो जाती है, फैमिली पेंशन चालू हो जाती है, लेकिन इनके केस में कुछ भी चालू, अग्निवीरों के केस में कुछ भी चालू नहीं होता। तो ये साथियों एक बहुत ही बड़ा एक सिस्टमिक फेलियर है, इसको ये केस स्टडी है। सबसे पहले तो मैं राहुल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी नहीं, आप लीडर ऑफ पीपल हैं, जिन्होंने देश की सेनाओं की, हमारे शहीदों की, हमारे जवानों की, अग्निवीरों की आवाज उठाई, और उसकी वजह से सरकार हरकत में आई, सरकार ने जो काम 6 महीने में नहीं किया था वो 6 दिन के अंदर कर दिया, ये सब पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह का जितना जो ढकोसला था वो 6 दिन के अंदर पूरा कर दिया, और 6 दिन, मात्र 6 दिन के अंदर ये पैसा दिया गया। अजय सिंह के परिवार को 67 लाख जो बताया जा रहा था उसमें 64 लाख दिया है, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने सदन के पटल पे कहा है कि 1 करोड़ मुआवजा राशि दी जाती है तो हमारे अग्निवीर शहीद अजय सिंह के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा राशि दी जाए, और उसी की तर्ज पर सभी हमारे जो अग्निवीर शहीद हो रहे हैं उनको सबको 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए, जो कि इंश्योरेंस के अमाउंट से अलहदा अलग होनी चाहिए। तो राहुल जी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं कि आपकी पावर यहां दिखाई देती है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह लीडर ऑफ पीपल हैं, आप जनता की आवाज है, जनता की आवाज इस सरकार को सुननी पड़ी और इनको हरकत में आकर डिलीवरी करनी पड़ी, ये एक बड़ा मुद्दा था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।